सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो पता है आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मेरी यूनिफॉर्म देख के, सो मैं आपको बता दूँ कि ये मेरी कॉलेज यूनिफॉर्म है और आज मेरा एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम है जो कि आज ख़त्म होने वाले। आज है 26, आज डेट है 26, ठीक है। तो यार आज मतलब पूरी टेंशन एंड मैं एकदम फ्री होने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दूँ, एंड यार अब से ना मेरे कंटिन्यूस व्लॉग आते रहेंगे और आप लोगों को इंटरटेनमेंट कराते रहूँगी। सो आई होप कि आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय करें एंड आप लोगों को पसंद आए। बस यही मैं ट्राई करूँगी कि मेरा बेस्ट दूँ आप लोगों को। एंड तो यार अभी ना समथिंग 1 बज रहा है, ठीक है, और मेरे एग्ज़ाम है 2 बजे से। तो वैसे भी यहाँ मेरे गांव से 15-20 मिनट का रास्ता है मेरे कॉलेज का, सो मैं आराम से पहुँच जाऊँगी। 2 बजे से मेरा एग्ज़ाम है, 2 से 5 बजे तक, ठीक है। तो 5 बजे मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा फिनिश बोले तो, एंड मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले। सो आई एम वेरी हैप्पी। मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, सो आई होप कि अच्छा जाए। वैसे तो फुल तैयारी हो गई है मेरी, बट देखते हैं कैसा क्या आता है एग्ज़ाम में। और इतना तो है कि पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे यार, इतना तो मैंने पढ़ा ही है। एंड बस अब देखते हैं क्या होता है। सो अभी काफ़ी टाइम हो रहा है यार, तो मुझे शायद निकलना चाहिए कॉलेज के लिए, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। ओके, सो बाय। नो, मेरा चश्मा टूट गया। ओ शिट, अब मुझे दूसरा चश्मा बनवाना पड़ेगा। ओ नो, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये देखो यहाँ से टूट गया। ओ नो, देख रहे हो धूप कितनी तेज हो रखी है। ओ माय गॉड। सो हे गाइस, अभी बज रहे 5, तो हमारे एग्जाम हो गया है खत्म। तो टेंशन फ्री अब से, और अंकित मुझे बहुत भूख लगी है, तो नाश्ता वास्ता करवा दे। चलो अभी तक पेट भी भरा है, तो मैं सोच रही हूँ और कुछ खाऊं। तो मैंने छोले भटूरे का ऑर्डर दिया है, तो अब मैं छोले भटूरे खाऊंगी। मेरे पीछे कुछ दिख रहा है, इधर देखो, डोरेमोन। तो छोले भटूरे आ चुके हैं। अंकित टूट पड़ो बेटा, टूट पड़ो बेटा, टूट पड़ो। ये सो हे गाइस, अब कॉलेज से मैं घर आ चुकी हूँ एंड ड्रेस वगैरह भी मैंने चेंज कर लिया है। तो यार एग्ज़ाम हो गया फिनिश, तो मैं बहुत मतलब टेंशन फ्री हो गई हूँ।